दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे पुंडी एक्स कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स और आने वाले दिनों में आपके टारगेट्स करेंगे, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है और जिनका पहले से क्रिप्टो में पोर्टफोलियो डाउन है 70-80%, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहाँ पर उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर की जा सके, कैसे आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, कैसे क्रिप्टो लॉसेस को मैनेज करना है, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और बहुत सारे बेनिफिट्स है, क्रिप्टो क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी। तो जो इंटरेस्टेड है वो इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डीएम करके बेनिफिट जान सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। करेंटली कॉइन 0.31 पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे डाउन ट्रेंड, एक अच्छे डिप के अंदर अभी करेंटली इस कॉइन की प्राइस हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर देखें तो लगातार इसकी प्राइस में पिछले 2-3 दिनों से डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये 4 आवर का चार्ट है और अभी रिसेंटली इसने 0.305 वाला एरिया ट्राई किया। डेली का चार्ट ओपन करते हैं, पिछले 3 से 4 दिनों से इसमें लगातार हमें रेड कैंडल्स देखने को मिल रही है। पिछले 4 दिनों से डेली की जो कैंडल्स है वो रेड कैंडल क्लोज हो रही है। इससे पहले इसने 3-4 वाला एरिया जो है वहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन की थी, लेकिन अभी करेंटली डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। FTX कोलैप्स की बात करें तो वहाँ पर इस कॉइन में एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। 5-3 वाले लेवल से इसने 297 वाला एरिया ट्राई किया था। तो FTX कोलैप्स के टाइम पर जो डाउन ट्रेंड था उसी लेवल पर अभी करेंटली वो कॉइन वापस आ गया है। वहां से भी इस कॉइन में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट इस कॉइन ने 40-45% की रिकवरी की थी 29 वाले एरिया से और फिर वहां से वापस डाउन ट्रेंड है। तो अगर देखें तो जिस लेवल पर ये कॉइन ऑलमोस्ट 1.5 मंथ पहले था वहीं पर ये कॉइन अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस से इस कॉइन के अंदर निकल के आ रही है। अगर सपोर्ट एरिया की बात करें तो 0.31 वाला जो लेवल है ये बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। FTX कोलैप्स के टाइम पे भी इस कॉइन ने मेंटेन किया था और अभी भी उस लेवल से ऊपर ही डेली क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ से चांसेस है कि रिकवरी देखने को मिलेगी और अगर थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने को मिलता है तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर रहेंगे। तो आप एंट्री की अगर बात करें तो 0.31 वाले लेवल पर ये कॉइन अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आप इस कॉइन में एंट्री ले सकते हैं। एंट्री आपको 70% पार्ट से लेनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको प्रॉपर जो चीज़ें बताता हूँ उनको आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर होगी, नहीं तो आप बीच में अगर देख के चले जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। जैसे एंट्री लेवल्स हो गए, सपोर्ट एरिया हो गया, कितने पार्ट में आपको एंट्री लेनी है, टारगेट में कितने पार्ट में आपको सेल करनी है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है और यही चीज़ें आपको लंबे टर्म समय तक मार्केट में स्टे रहने देती है। लंबे समय तक आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जैसे अभी जो रिसेंट बियर मार्केट है इसमें आपको कैसे सर्वाइव करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर, हर वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें देखने को मिलती हैं। 0.31 पर आपको एंट्री लेनी है, एंट्री 70% पार्ट से लेनी है। उसके बाद अगर और भी थोड़ा करेक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर अगर डेली में भी 3-4 दिनों से लगातार डाउन ट्रेंड है, 4 आवर के चार्ट में अगर देखें तो उसमें भी रेड कैंडल्स देखने को मिल रही, तो चांसेस है कि ये 28 या 29 वाले लेवल्स को ट्राई कर सकता है या फिर आपको विक देखने को मिल सकती है। तो 29 वाले लेवल पर आपको एक एंट्री लगा देनी है 30% पार्ट से, जो अभी हम 70% पार्ट से एंट्री लेंगे और 30% पार्ट से आपको 29 पर बाय लिमिट लगा देनी है। उसके बाद यहाँ से जैसे ही रिकवरी होगी तो वापस ये कॉइन आपको अच्छे लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर अगर देखें तो देखिए 3435 पर तो अभी 4 डे ago ही था ये, और उससे ऊपर वाले लेवल पर आपको 3840 पर आराम से ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा और आपको 20-30% का प्रॉफिट देकर ये कॉइन चला जाएगा। तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री लेंगे उनके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 0.38 वाला लेवल। ऊपर की तरफ इस कॉइन को 37 वाला एरिया रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि प्रीवियसली सपोर्ट एरिया था, अभी इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। उसके बाद 0.42 वाला नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है। तो 38 पर आपको 60% पार्ट सेल आउट करना है और सेकंड 0.40 पर 40% पार्ट सेल आउट करना है। इस टाइप से 60-40 के रेशो में आपको सेल आउट करके प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए टारगेट रहेगा 0.43 से लेके 44 वाला या 45 वाला एरिया, ये आपके लिए टारगेट रहेंगे शॉर्ट टर्म में, जिनका 15-20 days या 1-2 months तक का परस्पेक्टिव है उनके लिए। जो एरियाज मैं आपको बता रहा हूँ, टारगेट जो बता रहा हूँ, उनकी सेल लिमिट आपको लगा देनी है। अभी आप बाय कर लेंगे, उसके बाद आपको
सेल लिमिट लगा देनी है, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है, शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है उस बेसिस पर। इसके अलावा अगर आप इस कॉइन में लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं, आपका अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, तो यहाँ से देखिए अगर ऑल टाइम हाई की बात करते हो इस कॉइन को 9.6 यूएसडी थी, लेकिन वो लेवल अलग चीज़ें हैं जहाँ पर लिस्टिंग हुई, एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो इस कॉइन ने यहाँ पर 2.4 2.3 वाला लेवल ट्राई किया था। तो लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, वन ईयर का पर्सपेक्टिव, वन एंड हाफ ईयर का पोटेंशियल टारगेट अगर देखें, तो ये कॉइन आपको 1.2 से लेके 1.5 1.8 यूएसडी पर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा मार्केट के मूवमेंट के बेस पर। जिससे अगर देखें पिछले 4 से 6 महीने में मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, लगातार गिर रहा है। तो यहाँ से जैसे ही रिकवर करेगा, बीटीसी 25,000 30,000 को भी ट्राई करता है, तो ये कॉइन आपको 1.2 यूएसडी से ऊपर इजीली ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। दूसरा, जो नए इन्वेस्टर है वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, ताकि आप क्रिप्टो लॉसेस से बच पाएं, ओवर ट्रेडिंग को मैनेज कर पाएं, सिग्नल आपको मिल पाएं, ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी। तो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप के वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। थैंक यू।